नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना क्षेत्र के पाडलिया ठाकुर गांव में शुक्रवार सुबह खेत में गायें घुस जाने की बात को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में हुए विवाद में गोलियां चल गई, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि एक महिला सहित एक अन्य घायल हो गया। घटना की जानकारी लगने के बाद सुठालिया एवं ब्यावरा सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। SDOP नेहा गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सुठालिया थाना क्षेत्र के पाडलिया ठाकुर गांव में खेत में गाय घुसने की बात को लेकर भंवर सिंह और जगदीश सिंह राठौड़ के परिवार के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि जगदीश भूपेंद्र देवेंद्र के द्वारा बंदूक से फायर किए गए, जिसमें दूसरे पक्ष के भंवर सिंह पिता मदन लाल, राजेंद्र एवं प्रभाग कुमार घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए बैरसिया ले जाया गया, जहां से उन्हें भोपाल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान भंवर सिंह 45 वर्षीय की मृत्यु हो गई है, तो वहीं राजेंद्र और प्रभाग का इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुठालिया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। सुठालिया थाना प्रभारी राकेश दामले ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद आरोपी जगदीश भूपेंद्र और देवेंद्र के खिलाफ धारा 307, 294, 506, 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया है, तो वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दो बंदूकों से किए गए दनादन फायर सुठालिया पुलिस ने बताया कि खेत में गाय घुसने की बात को लेकर हुए विवाद में एक 15 बोर एक 12 बोर की दो बंदूकों से फायर किए गए, इसके बाद पुलिस बंदूकों को भी जब्त करने की कार्रवाई की। जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। सुठालिया थाना अंतर्गत आज दिनांक को एक घटना हुई है, ये सुबह की घटना है, सुबह 8:20 पे। इसमें एक पारिवारिक विवाद हुआ है, एक ही फैमिली के लोग हैं, जिसमें फेंसिंग को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें फायरिंग की गई है। तीन आरोपी हैं, इसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें हम लोगों के द्वारा तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष विवेचना जारी है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।